सो हे वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग जा रहे हैं सुरैंग गड्ढे नहाने के लिए। तो सबसे पहले मैं रख लेता हूँ कंघी अपने सर को थोड़ा अच्छे सजाने के लिए। जी इतना बड़ा बड़ा वाला है मेरा। तो आइए वीडियो में बने रहिए, चल रहे हम लोग टेन। जैसे कि अभी हम लोग पहुंच गए मेन रोड में, मेन रोड से आगे बढ़ते हैं तो हम लोग को मिलता है श्री नारायण का लक्ष्मी वस्त्रालय है। फिर आगे बढ़ते हैं तो श्री श्याम, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं तो अम्बेडकर चौक आ गया। इसको बोलते हैं केरा चौक, लेकिन हम लोग जाएंगे सीधा ही सीधा, आप लोग समझ रहे ना कागज़ के। फिर यहाँ पर पहुँचेंगे तो यहाँ से ले रहे हैं हम लोग राइट की और राइट बढ़ रहे हैं अब सीधा सीधा। उसके बाद मिल जाता है यहाँ का श्री नारायण का गार्डन, और उसके बाद गार्डन के जस्ट सामने में है रास्ता मंडी वाला। मंडी वाले रोड को पकड़ेंगे हम लोग, मतलब बाएं मुड़ेंगे उधर से जा रहे हैं तो। उसके बाद इसमें सीधा ही सीधा जाना है, आप लोग को पता चल ही जाएगा। यह है यहाँ का सब्जी मंडी, और फिर आगे जाएंगे तो यहाँ से हम लोग को लेफ्ट मुड़ना नहीं है, लेफ्ट जाता है रोड, लेकिन हम लोग को जाना है सीधा सीधा कच्चे रास्ते में। कच्चा रास्ता है अभी, बाद में हो सकता है ये अच्छा रोड बन जाएगा क्योंकि अभी काफ़ी मरा है। ओह माय गॉड, काफ़ी ज़्यादा आम पेड़ है और काफ़ी फड़ा था आम। उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे तो पहला राइट मोड़ पड़ेगा, उसी में जाना है। फिर मुड़ के हम लोग को सीधा सीधा, और उसके बाद आगे पहुँचेंगे तो कच्चा रास्ता मिल जाएगा, और मिल जाएगा नदी का नज़ारा। और ये रहा वो नदी जहाँ हम लोग जा रहे हैं नहाने के लिए, और इसी के बगल में है डैम बना हुआ इसी नदी में, और ये महानदी है। और हम लोग अभी कच्चे रास्ते से नीचे उतर रहे हैं, नीचे 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 जाते वक्त हम लोग को दिख जाता है वो भव्य डैम जो काफ़ी बड़ा है डैम। उसके बाद हम लोग यहाँ पे नहाने का प्रोग्राम बनाए हैं, आप लोग को तो पता ही है नहाने का है, और साथ ही साथ गाड़ी को भी धो लेंगे, आप लोग को तो पता ही है। फिर हम लोग धीरे धीरे डैम के नज़दीक पहुंचते हुए, और साथ ही साथ हम लोग नीचे उतर रहे हैं। जब ऊपर से हम लोग नीचे जा रहे थे, और जैसे ही जैसे नीचे जा रहे थे वैसे वैसे डैम के पास आ रहे थे, थोड़ा सा रास्ता ऊबर खाबड़ है आप लोग समझ सकते हो। और ये रहा वो डैम जहाँ पे हम लोग नहाने आए हैं, और इतना प्यारा है वो डैम कि आप लोग को क्या बताऊँ मैं। इसको देख के रुकने का मन ही नहीं हो रहा है, नहाने का मन कर रहा है, आप लोग समझ पा रहे हैं ना फीलिंग को। ओहो क्या बताऊँ आप लोगों को। और ये रहा, ये भले ही कि छोटा छोटा गड्ढा टाइप दिख रहा है, लेकिन हाँ बहुत बड़ा ये जो दिख रहा है ना आप लोग को सीमेंट का बना हुआ है, काफ़ी बड़ा बड़ा है। इसको नज़दीक से देखा तो मैं दंग रह गया कि इतना बड़ा बड़ा कैसे बना के रखें करके। उसके बाद फिर ये हमारा ओला का एक फुल शॉट बोला जाए तो वीडियो बनता ही है, और मेरी वाइफ बैकग्राउंड में चांद चांद लगाते हुए। और ये रहा वो डैम जहाँ हम लोग आज तक भाई मनाली मैं पहुँच गया डैम, आप लोग को भी दिखला रहा हूँ डैम कैसा है, कहाँ का है, ये आप लोग को तो पता चली गया। और डैम आया हूँ तो साथ ही साथ मैं नहाऊँगा, साथ ही साथ मेरे ओला को धोऊंगा मैं। तो वीडियो में बने रहिए, आइए अपील करते हैं हम लोग धमाका वो भी पानी के साथ। तो फाइनली हम लोग लाना भूल गए थे, हम लोग को आइडिया ही नहीं आया कि गाड़ी को धोना है नहलाना है करके। तो अब जो साबुन का खड्डा रहता है ना बोला जाए तो ये साबुन का खड्डा जो रहता है ना इसी में अब इसको नहला रहे हैं, वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से। और बाकी कुछ तो नहीं लाए, बाकी अब इसको अच्छे से साफ ऑफ करेंगे, फिर हम लोग नहाना स्टार्ट करेंगे इस पानी में। फाइनली अब मेरी वाइफ नहाने के लिए स्टार्ट कर रही है, मैं थोड़े लेट से स्टार्ट करूंगा क्योंकि मेरे थोड़ा सा गाड़ी को अच्छे से साफ करना था। और बाकी मेरी वाइफ हो गई तैयार, जम कर रहे हो क्या जी? हाँ। सही में चलो तो। ओहो रे चली गई पानी अंदर, कितना कहला है पानी जी? इतना ही बस है पानी? हाँ। चलो अच्छी बात है, हम भी नहाने को जाएंगे पानी में। फिलहाल अभी इसको थोड़ा सा और अच्छे से साफ़ करना है, उसके बाद फिर चलेंगे हम लोग नहाने के लिए। और काफ़ी ज़्यादा साफ़ हो गया है,
फिर भी थोड़ा मोड़ा पानी भी बचा है, इसको पानी से अच्छे से मारते हैं, फिर हो जाएगा तैयार मेरा होला। सो फाइनली हम लोग को काफ़ी मज़ा आया नहा के, आप लोग को भी मज़ा आएगा यहाँ नहाने में, तो सुरानखेड़े में जरूर आना नहाने के लिए। तो आज कर तो आप लोग को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा ये हमारा डेम वाला वीडियो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।